मैं डॉक्टर नीरा पांडे, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई, HOD एजुकेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स। ये BA फर्स्ट ईयर के पहले पेपर में यूनिट 5 में, MED सेकेंड सेम में और BED फर्स्ट सेम, तीनों ही में पाठ्यक्रम में है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है पर्सनैलिटी, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्सनैलिटी होता क्या है। जैसे कि हम कहते हैं कि वो व्यक्ति दुबला है, मोटा है, काला है, गोरा है, इस प्रकार व्यक्ति व्यक्तित्व के स्वरूप को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, पर वास्तव में व्यक्तित्व क्या है या पर्सनैलिटी क्या है? जो व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है वो अंग्रेजी शब्द से आया है पर्सनैलिटी, और यूनानी लोगों में जो पर्सनैलिटी था, यूनानी लोग जो थे वो उसे यूनानी भाषा में परसोना कहते थे। परसोना का अर्थ होता है कि मास्क, वो अपने चेहरे पर मास्क पहना करते थे और मंच पर बहुत सारे अभिनय किया करते थे। तो उस अभिनय से मास्क पहनकर यह पता नहीं चलता था कि व्यक्ति कौन है, राजा है, रानी है, रंक है, दासी है, तो उससे किसी भी चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा पाता था। इसीलिए यह जो शब्द आया परसोना, ये पर्सनालिटी का ही रूपांतरण था। धीरे 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 जब व्यक्ति समय बीतता गया तो इसे फिर से पर्सनालिटी में रूपांतरित कर दिया गया। इस प्रकार देखा जाए तो पर्सनालिटी की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिसे अनेक विद्वानों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अनेक रूपों से लिया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि पर्सनालिटी के भी बहुत सारे तीन टाइप्स जो मेन हैं वो दिए हुए हैं कि शरीर रचना के आधार पर, समाजशास्त्रीय आधार पर और मनोवैज्ञानिक आधार पर। तीन जो मुख्य पर्सनालिटी के प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। तो शरीर रचना के प्रकार के आधार पर भी इसके तीन टाइप्स हैं कि शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटक। और समाजशास्त्रीय प्रकार में आप देखेंगे सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक। मनोवैज्ञानिक प्रकार में दो हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब हम इनको संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे कि शरीर रचना प्रकार जो है उसमें शक्तिहीन, नाम से आपको समझ में आ रहा है, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। शक्तिहीन मतलब कि उसमें जो शक्ति की मात्रा है ज़्यादा है या कम है, तो वो दुबला है, किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है। और खिलाड़ी जो व्यक्ति है वो खिलाड़ी व्यक्तित्व रखने वाला है, अच्छा मोटा है, ऊँचा है, उसका भार भी अधिक है। और जो नाटा व्यक्ति है वो छोटे कद का है, वो उसके जो कंधे हैं वो चौड़े हैं। इस प्रकार इसका शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व की बनावट को या उसको देखा गया है। समाजशास्त्रीय प्रकार में के आधार पर जो सोशल वो उसका टाइप है, उसके आधार पे जो सैद्धांतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक जो है जो सो है प्रैक्टिकल, जो सैद्धांतिक उसमें वो ज़्यादा अपना वो रखेगा, व्यक्ति जो रहेगा उसके विचार सैद्धांतिक ज़्यादा रहेंगे ना कि प्रैक्टिकल। आर्थिक जो रहेगा वो क्या है, हर चीज़ों को अर्थ के आधार पे ही कि किस प्रकार उसे लाभ मिलेगा, वो उस तरीके से ही वो व्यक्ति की सोच रहेगी। सामाजिक जो व्यक्ति रहेगा वो समाज में मिलना जुलना, बैठना, लोगों से मिलना, वो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक रूपों में वो ज़्यादा भाग लेने वाला रहेगा। जो राजनीतिक रहेगा वो सत्ता का अधिकारी रहेगा, नेतृत्व की क्षमता, सत्ता का अधिकारी उस प्रकार का व्यक्ति रहेगा। जो धार्मिक रहेगा वो पूजा पाठ में विश्वास करने वाला, भगवान से डरने वाला कि अरे ऐसा हो जाएगा तो भगवान ऐसा कर देंगे, उस प्रकार के व्यक्तित्व वाले रहेंगे। जो कलात्मक रहेगा व्यक्ति, उसका आर्टिस्टिक व्यू रहेगा कि वो कला के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि लेने वाला रहेगा, कला को ज़्यादा पसंद करने वाला रहेगा। तो इस प्रकार हम देखें जो समाजशास्त्रीय प्रकार हैं इनके आधार पर व्यक्तित्व को इन प्रकारों में बांटा गया है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप में हम देखें तो व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए गए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट रहेगा व्यक्ति वो क्या रहेगा, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, एकाकी जीवन व्यतीत करना चाहेगा। भले वो मानसिक रूप से अच्छा रहेगा पर अपने आप को किसी में ज़्यादा ढलना पसंद नहीं करेगा, अकेले रहना, एकांत रहना, शांत रहना, बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करना, तो वो जो होगा वो इंट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट जो होगा वो ज़्यादा सोशल रहेगा, बाहरी लोगों से ज़्यादा बातचीत करने वाला रहेगा, अपने आप को हर एक उसमें प्रेजेंट करने वाला रहेगा, उसे ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पहचानें। तो ये इस प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रकार
चार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए गए हैं। इसी आधार पर व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। विशेषताएं मतलब व्यक्तित्व की इस प्रकार की क्वालिटीज होती हैं, उनके लक्षण होते हैं, और प्रभावित करने वाले कारक मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उसके आधार पर व्यक्तित्व सामने वाले को दिखाई देता है या प्रत्यक्ष दिखता है। तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में संक्षिप्त में हम देखेंगे कि जैसे आत्मचेतना, आत्मचेतना मतलब कि आत्मचेतना पशुओं में और छोटे बच्चों में आत्मचेतना आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, पर जो बड़े व्यक्ति हैं उनमें आपको आत्मचेतना दिखाई देगी। तो उससे क्या है, उनकी जो एक्टिविटी है वो आप समझ पाओगे। उसी के आधार पर सामाजिकता, सामाजिकता तभी आएगी जब आप में आत्मचेतना रहेगी। जो बड़ा व्यक्ति है, जो अच्छे उम्र का व्यक्ति है, उसमें सामाजिकता होगी, आत्मचेतना रहेगी तो सामाजिकता भी बढ़ती जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, सामंजस्य जैसा होगा वो व्यक्ति, यदि घर में बाहर में सामंजस्य हर प्रकार का होगा, चाहे वो सामंजस्य घर में करता हो चाहे वो सामंजस्य बाहर करता हो, तो जो व्यक्ति जितना अच्छे से सामंजस्य कर पाएगा उसका व्यक्तित्व तो उस प्रकार का दिखाई देगा। लक्ष्य प्राप्ति की, वो यदि लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वैसा ही रहेगा। जैसे कई बच्चे अपने लक्ष्य को एकदम निर्धारित करके चलते हैं कि हमारा आज ये टारगेट है तो वो हमें पूरा करना है, तो उस प्रकार के विद्यार्थियों का, व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व रहता है वो अलग दिखाई देता है। दृढ़ इच्छा शक्ति भी रहनी चाहिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी तो व्यक्ति हर एक काम को कर सकता है। शारीरिक व सामाजिक स्वास्थ्य में, शारीरिक व सामाजिक स्वास्थ्य, यदि सामान्य स्वास्थ्य जो है वो सामान्य स्वास्थ्य यदि उसका अच्छा रहेगा तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा दिखाई देगा। एकता व एकीकरण ऐसी चीज है कि यदि हम एकता के आधार पर ही हर एक चीज को कर सकते हैं, बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी, छोटी छोटी लकड़ी भी एक बहुत बड़े भाड़ को फोड़ सकती है, उसी प्रकार यदि एकता व एकीकरण रहेगा तो व्यक्ति बहुत सारी चीजों को कर सकेगा। विकास की निरंतरता, जैसे कि हम देखते हैं कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था वृद्धावस्था तक व्यक्ति का विकास होता ही रहता है, विकास कभी भी खत्म नहीं होता, इसी प्रकार विकास हमेशा चलता ही रहता है। तो ये सारी जो है ये व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इसी के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक भी हैं जो कि व्यक्तित्व को, जो आपके सिलेबस में भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। उसमें सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव मतलब हेरेडिटरी इफेक्ट। आप देखते होंगे कि बोला जाता है, अरे ये चित्रकार का बच्चा है तो चित्रकार ही बनेगा, अरे ये मोची का बच्चा है तो मोची ही बनेगा। ऐसा अपन क्यों उदाहरण देते हैं? इसलिए क्योंकि हेरेडिटरी का प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, चाहे वो हार्मोनल हो चाहे वो जेनेटिक हो। दूसरा है जैविक कारकों का प्रभाव। जैविक कारकों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हार्मोन्स हैं, ग्लैंड हैं, बॉडी केमिस्ट्री है, जिसके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व उस आधार पर दिखाई देता है। जैविक कारकों के बाद शारीरिक रचना का प्रभाव। जैसी आपकी शारीरिक रचना होगी वैसा आपका, बोलते हैं ना, अरे कितना अच्छा इम्प्रेसिव लग रहा है, तो उसकी शारीरिक बनावट ही व्यक्ति की वैसी रहती है। दैहिक प्रवृत्तियों में आता है साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज। दैहिक प्रवृत्तियां मतलब आपकी जैसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होगी आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही दिखाई देगा। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने वाले, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में दुखी हो जाने वाले, बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो जाने वाले, तो आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ दिखाई देगी। मानसिक योग्यता का प्रभाव, जैसे जो तेज होगा, कुशाग्र बुद्धि वाला होगा, उसकी जो होगा व्यक्तित्व जो होगा वैसा दिखाई देगा। विशिष्ट रुचि का प्रभाव, जो जिसमें इंटरेस्ट रखता होगा उसकी उसका व्यक्तित्व उसमें दिखाई देगा। भौतिक वातावरण का प्रभाव, जो गर्म स्थानों में लोग रहते हैं, जो ठंडे स्थानों में रहते हैं, जो मरुस्थलीय जगहों में रहते हैं, उनके व्यक्तित्व पर उस भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। सामाजिक वातावरण का प्रभाव कि आप समाज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो आसपास के सामाजिक वातावरण का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है।
सांस्कृतिक कल्चर जो है, कल्चर तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे जो जगह हैं जहाँ हम रहते हैं, जिस धर्म को मानने वाले हैं, हमारा जो कल्चर है वो हम अपने बच्चों को, अपने घर के परिवार के लोगों के द्वारा बच्चों में आता है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वो कल्चर का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। परिवार का प्रभाव, परिवार जैसा होता है वैसा बच्चा ढलता है, क्योंकि वो परिवार के बड़े लोगों को ही देख कर सीखता है। विद्यालय का प्रभाव, विद्यालय में रहने वाले कर्मचारी, वहाँ के शिक्षक, वहाँ का वातावरण, वहाँ का प्रबंधन, वहाँ का अनुशासन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी विद्यालय का जो प्रभाव होता है वो विद्यार्थी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अन्य कारकों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी विद्यार्थी की माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है।